ये जैसे ही इसका अडाप्टर प्लग इन करते हैं, ठीक है, और ये वोल्टेज आ रहे हैं इसके इधर, ये चेक कर रहे हैं आप, मीटर जो है ना ये ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी कि इसके वोल्टेज जो है ना वो ब्लिंकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पिन के अंदर ही कोई इशू है। ये अडाप्टर भी इसका जो है ना हीट अप हो गया, गर्म हो गया इधर लगाने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लिनोवो योगा 520 है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही इसका ये अडाप्टर प्लग इन करते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई भी लाइट वगैरह ऑन नहीं हो रही, ठीक है। जब ये स्विच ऑन भी करें इसको, ठीक है, तो ये स्विच ऑन भी नहीं हो रहा। ये इस साइड के ऊपर इसका स्विच ऑन का बटन भी है, ठीक है, ये चीज़ कोई लाइट नहीं ऑन हो रही इसकी। तो चलें इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं प्रॉब्लम है क्या मदरबोर्ड में। स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसका ये बैक कवर है, बैक कवर के ऊपर इधर स्क्रू लगे हुए हैं सारी, ये स्क्रू ओपन होंगे, ठीक है, सारी करें स्क्रू उसके ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये स्क्रू उसके ओपन हो गए सारी, ठीक है, टोटल। अब इसका ये जो बैक पैनल है उसको हम डी पैनल कहते हैं, उसको जो है ना ओपन करेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये ओपन हो गया। सबसे पहले जो काम करने वाला होता है लैपटॉप के अंदर, अगर इसका लैपटॉप प्लग इन हो के इसकी कोई लाइट वगैरह ऑन नहीं हो रही, तो सबसे पहले इसकी पिन चेक करते हैं। ये वाली पिन लगी हुई है, इसकी पिन चेक करेंगे, इसके जो है ना वोल्टेज आ रहे हैं, ये अडाप्टर लगा के इसको, ठीक है, और मीटर के साथ जो है ना इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज इसके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये जैसे ही इसका अडाप्टर प्लग इन करते हैं, ठीक है, और ये वोल्टेज आ रहे हैं इसके इधर, ये चेक कर रहे हैं आप, मीटर जो है ना ये ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी कि इसके वोल्टेज जो है ना वो ब्लिंकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पिन के अंदर ही कोई इशू है। ये अडाप्टर भी इसका जो है ना हीट अप हो गया, गर्म हो गया इधर लगाने से। इसकी पिन पहले बाहर निकाल के चेक करेंगे कि ये पिन की जो वायर्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, वो अंदर से आपस में जो है ना वो जुड़ी तो नहीं हुई, या कोई स्पार्किंग वगैरह तो नहीं हुई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसकी पिन बाहर निकालेंगे। ये पिन निकालने के लिए ये पहले मदरबोर्ड इसका ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंजिस है, हिंजिस ये मदरबोर्ड के नीचे गया हुआ है, ये देख रहे हैं आप स्क्रू नीचे हैं, तो ये पहले इसका मुकम्मल मदरबोर्ड जो है ना वो निकलेगा, उसके बाद ये हिंजिस जो है ना ये ऊपर आएगा, फिर पिन इसकी ओपन होगी। चलिए मदरबोर्ड निकाल के पहले साइड पे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मदरबोर्ड इसका बाहर आ गया। अब इसकी ये हिंजिस के जो स्क्रू है ये ओपन करेंगे, इसकी पिन जो है ना ये बाहर निकाल लेंगे। ये लें, ये पिन इसकी बाहर आ गई है, इसको अब चेक करेंगे एक मसला क्या है, ये शॉर्ट क्यों बोल रही है। जी ये पिन है इसकी, ये इसकी ग्राउंड आ गई है, ठीक है, और ये साइड के ऊपर भी ग्राउंड है, ये शॉर्ट बोल रहा है, कहीं नहीं कंटिन्यूटी पूरी है, ये भी ग्राउंड है, समझ में आ रही है। लेकिन ये जो इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी ग्राउंड के साथ अटैच हुई है, ये शॉर्ट है, ठीक है, तो ये पिन अब नहीं लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये अंदर से जो है ना प्लास्टिक इसकी पिघल गई हुई है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। चलें इसकी पिन जो है ना वो ऑर्डर करके न्यू मंगवाते हैं। इसकी पिन उतार दी है हमने, ठीक है, तो पहले इसको वोल्टेज दे के चेक कर लेंगे कि इसके मदरबोर्ड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको ज़रा लगा के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह,
ओह वाओ डैम सन, इस पे आ गया इसका, ठीक है अब इसको पिन ही लगाएंगे हम। ये पिन उतार के इसको सफाई की है। ये पिन के अंदर जो है ना वो कुछ होल्डिंग वायर थी या कोई जो है ना लोहे का कोई पीस चला गया था जिसकी वजह से ये पिन शार्ट बोल रही थी, ठीक है। तो इसको अब सफाई करके ना सही तरह से, तो इसकी शार्टी जो है ना वो ख़त्म की है हमने। तो अभी इसकी शार्टी जो ख़त्म की है मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चीज़ चेक करेंगे आप। ये अभी बिल्कुल ओके है, देख रहे हैं ये अभी शार्ट नहीं बोल रही कोई भी अपनी मीटर की। ये ग्राउंड है इसकी, ठीक है। और ये जो है ना ठीक है, ये दरमियान वाली जब शार्ट नहीं बोल रही, ठीक है। तो चलें इसको अब लगाते हैं दोबारा से और फिर चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये फिटिंग कर दी है इसकी, तो इसको अब ऑन करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये अडाप्टर इसका प्लग इन किया है, चेक कर रहे हैं आप इसकी लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है, इसकी बैटरी जो है ना ये चार्ज हो रही है अब, ठीक है। चलिए इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, देखा रहे हैं लाइट चल रही है इसकी, ये डिस्प्ले भी आ गया इसका, ठीक है। अब इसको हार्ड ड्राइव लगाते हैं और पैक करके एक दफ़ा विंडो इसकी ऑन करके चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये लें जी, ये पैक कर दी है सारा कंप्लीट। अब इसको ज़रा ऑन करके मुकम्मल इसकी विंडो रन करके कंप्लीट फिर चेक करते हैं। प्रॉपर प्लग इन की है, चेक कर रहे हैं आप बैटरी की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। बिस्मिल्लाह, इधर से इसको ऑन करते हैं अब। बिस्मिल्लाह, ऑन हो गया, इसके विंडो भी रन हो रही है। तो उसी पिन को जो है ना रिपेयर करके, ठीक है, इसके अंदर जॉइंट कर दी है। अब इंशाल्लाह इसका मसला नहीं कोई दोबारा बनेगा। पिन के अंदर को कार्बन वगैरह आ जाता है या कोई मसला बन जाता है जिसकी वजह से शार्ट भी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।